इस कार्यक्रम का मकसद महात्मा गांधी की हत्या और हथियारों से जुड़ी मानसिकता को दर्शाना है। एबीपी न्यूज महात्मा गांधी के हथियारों की सोच का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। कार्यक्रम पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है और कुछ घटनाओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए नाट्य रूपांतरण का इस्तेमाल किया गया है। भैया, पूजा के लिए देरी हो रही है, पापू को जाने दीजिए। जनवरी 1948, बिरला भवन, दिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या। हत्यारे का नाम नाथुराम विनायक गोडसे। गोडसे की बंदूक से उस शाम निकली गोलियों से दिल्ली के बिरला हाउस में वक्त मानो ठहर सा गया। इतिहास के पन्नों में एक अध्याय खत्म हो गया। लगभग 6 महीने पहले आजाद हुए भारत ने अपना महात्मा खो दिया। गांधी नहीं रहे, अहिंसा के पुजारी का हिंसक अंत हो गया। और अंत करने वाले ने कहा कि देश जिस गांधी को राष्ट्रपिता कहता है, वो उसे देश के बंटवारे का दोषी मानता है, इसीलिए उसने गांधी को मार डाला। आखिर कौन था नाथुराम गोडसे? घंटों मूर्ति के सामने बैठे रहना, ध्यान लगाना, एक बच्चे के लिए यह सब सामान्य नहीं था। लेकिन रामचंद्र का बचपन ऐसा ही था। 1910 में जन्मा रामचंद्र अपने माँ बाप का पहला लड़का था जिसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके पहले परिवार के 3 लड़कों की बचपन में ही मौत हो गई थी। तब उसके माता पिता ने अपने इस लड़के को लड़की की तरह पालने का फैसला किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके परिवार के लड़कों पर अगर कोई संकट होगा तो वो खत्म हो जाएगा। जब नाथुराम गोडसे का जन्म होने वाला था, तब उनकी माँ ने मंगत मांगी थी परमात्मा के सामने, प्रभो अगर ये लड़का है अगर होगा, अगर ये जिंदा रहेगा तो मैं उसका नाक में छेद दे दूंगी, और उसके अनुसार ये जीवित रहे, इसलिए उनके नाक में छेद दिया गया। बस इतना ही था। पहले उनका नाम था रामचंद्र। जब नाक में छेद दिया तब उनको नाथुराम कहने लगे। नाथुराम के बाद उसके 3 भाई और हुए, लेकिन नाथुराम उन सबसे अलग था। शायद इसकी वजह थी उसका बचपन। तुषार गांधी के मुताबिक बचपन के हालात ने ही नाथुराम के अंदर इतना आक्रोश भर दिया था जिसका असर बड़े होने तक बना रहा। जवान हुए तब भी उनको इश्यूज थे, एंगर के इश्यूज थे, वो सोशल स्किल्स नहीं थी, औरतों से घृणा थी उनको, वो अलहदा रहते थे। तो वो बचपन के जो हालात हुए थे उन्हीं के कारण आगे उनके ऊपर ये असर होना बहुत स्वाभाविक था। वहीं जाने माने समाज शास्त्री और मनोविश्लेषक आशीष नंदी का मानना है कि नाथुराम गोडसे के हत्यारा बनने की एक वजह वो माहौल भी था जिसमें वो पला बढ़ा। उनको लगा कि ये पुरुषत्व जाहिर करना चाहिए, यू हैव टू अफर्म योर मैस्कुलिनिटी। गांधी हत्या में दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। नाथुराम ने अपनी पढ़ाई लिखाई पुणे में रहकर की। हालांकि स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा नाथुराम का मन पौराणिक कथाओं, धर्म ग्रंथों और इतिहास की पढ़ाई में लगता था। अंग्रेजी में फेल होने की वजह से वो मैट्रिक पास नहीं कर पाया। इसके बाद कुछ समय के लिए उसने बढ़ई का काम सीखा, लेकिन तभी उसके पिता का ट्रांसफर रत्नागिरी में हो गया। यही वो जगह थी जहां से नाथुराम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।
उन्हीं दिनों सावरकर को अंडमान से रिहा करके रत्नागिरी में क्षेत्र कारावास किया गया था, उस क्षेत्र में पाबंद वो रह रहे थे। अच्छा मौका नाथाराम जी को मिला कि वे सावरकर जी का दर्शन कर पाए। छोटी थी आयु, 16-17 साल की आयु थी, फिर सावरकर जी के यहाँ जाते थे, प्रणाम करते थे और कहते थे मैं कुछ मदद करूँ क्या। तो सावरकर जी को लिखने के लिए किसी युवक की आवश्यकता थी, तो नाथाराम जी जाते थे, जो सावरकर जी कहते थे वो लिख कर रखते थे। विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटेन में रहकर कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन इसी दौरान उन पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें काले पानी की सजा दी, यानी 50 साल के लिए पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहने की सजा। वहां रहकर सावरकर ने हिंदू धर्म और दर्शन पर काफी कुछ लिखा। हिंदुत्व शब्द को एक विचारधारा के तौर पर बढ़ावा देने वाले सावरकर ही थे। कई साल तक जेल में रहने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इस वादे पर छोड़ा कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और रत्नागिरी की सीमाओं में रहेंगे। रत्नागिरी में ही 1929 में पहली बार सावरकर और नाथुराम गोडसे की मुलाकात हुई। हिंदुत्व पर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर नाथुराम ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। जवानों को, नवयुवानों को जो है वो सावरकर बड़ा प्रभावित करते थे। और दूसरी बात ये थी कि जिन लोगों के मन में एक एक वर्ग इस देश में हमेशा से ये रहा है, जो उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है जहाँ किसी और को जगह नहीं है, ऐसा मानने वाले कई युवा थे। गोडसे ऐसे उनसे प्रभावित हुए थे कि हाँ, ये धरती जो है, ये धरती तो महज और पक्के तौर पर एक हिंदू राष्ट्रवादी के लिए ही बनी हुई भारत माँ है, और इसमें किसी और का रहना, अगर वो हिंदू नहीं है तो वो नहीं रह सकता। इससे ज्यादा प्रभाव जो है वो हुआ था। उस वक्त देश में महात्मा गांधी का जादू था। लाखों लोग गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ रहे थे। कहते हैं गोडसे भी कुछ समय के लिए इसका हिस्सा बना, छुआछूत के खिलाफ काम किया, लेकिन 20 साल के गोडसे को ज्यादा प्रभावित वो विचार करते थे जो हिंदुत्व की बात करते थे, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1948 में कोर्ट में बयान देते हुए गोडसे ने खुद कहा कि वो आरएसएस से जुड़ा था। सन 1932 में डॉक्टर हेडगेवार के भाषण से प्रभावित होकर मैं स्वयंसेवक के तौर पर संघ से जुड़ गया। कुछ सालों तक महाराष्ट्र में मैंने उसके बौद्धिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कुछ समय तक हिंदुओं के उत्थान से जुड़े काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदुओं के न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए देश की राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए, इसलिए मैंने संघ को छोड़कर हिंदू महासभा से जुड़ गया। गोडसे और आरएसएस के रिश्ते को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। आरएसएस गोडसे से अपने संबंधों को नकारता रहा। गोडसे ने अपने बयान में यही कहा कि गांधी की हत्या के वक्त आरएसएस से उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन गोपाल गोडसे, नाथुराम गोडसे के छोटे भाई ने जेल से रिहा होने के कई साल बाद फ्रंटलाइन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि नाथुराम गोडसे ने आरएसएस कभी नहीं छोड़ा था। नाथुराम आरएसएस में बौद्धिक कारवाह बन गए थे। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात इसलिए कही क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गुलवरकर और आरएसएस के लिए परेशानियां बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने आरएसएस छोड़ी नहीं थी। जब शुरू में जितना वे काम करते थे उतना समय वो नहीं दे पाए संघ को, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया था संघ का, तो वो संघ के प्रतिनिधि स्वयंसेवक थे ही। और हिंदू महासभा में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो संघ से अपनी कल्पना के अनुसार संघ से काम करने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन संघ अपनी एजेंडे के आधार पर काम कर रहा था। इसलिए गोडसे और संघ का संबंध 1932 के बाद नहीं रहा। 1938 में हिंदू महासभा ने हैदराबाद के निजाम और रजाकारों के खिलाफ मार्च निकालने की घोषणा की थी। तब गोडसे ने इस मार्च के पहले जत्थे का नेतृत्व किया। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस वक्त सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे और गोडसे उनका कट्टर समर्थक।
1939 में हैदराबाद जेल से बाहर आने पर गोडसे मुसलमानों और गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की सोच के सिद्धांत के खिलाफ हो चुका था। सावरकर उस वक्त हिंदू महासभा को मजबूत संगठन के तौर पर स्थापित करने में लगे थे। मनोहर मलगांवकर ने अपनी किताब द मैन हू किल्ड गांधी में लिखा है कि सावरकर उस वक्त एक ऐसा दल भी बनाना चाहते थे जो उन कामों में लग सके जो एक राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। 1942 में गोडसे और आप्टे इसी दल का हिस्सा बने जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र दल। 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। कांग्रेसी नेताओं की गैर मौजूदगी और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देने की मुस्लिम लीग की रणनीति ने जिन्ना को मौका दे दिया अंग्रेजों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का। मुस्लिम लीग का बढ़ता प्रभाव हिंदू महासभा और उसके नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था। वो इसके लिए कांग्रेस की कमजोर नीतियों को जिम्मेदार मान रहे थे। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में छपे एक लेख में लिखा है कि सावरकर ने गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर और कायर तक कह डाला था। सावरकर जी ने भी गांधी जी की काफी आलोचना की है, उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना की है। सावरकर जी का कहना था कि किसी भी आदमी को देश पे प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि गांधी बोलते थे कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे बताएगी और मैं उससे चलूंगा। तो सावरकर जी का ये मूलतः विरोध था कि आप देश पे प्रयोग नहीं कर सकते। तो काफी इनके दोनों के अनुयायी भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, गांधीवादी भी सावरकर के कट्टर विरोधी थे, और वो तो स्पष्ट रूप से तो गांधी के वो तो वैचारिक विरोधी थे ही। तो वो पढ़ के नथुराम जी प्रभावित हुए। जिस अहिंसा और सत्याग्रह को गांधी की ताकत माना जाता है, एक ऐसी ताकत जिसके आगे अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, जिस गांधी की एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, वही गांधी कुछ हिंदू संगठनों को अखरने लगे थे। आखिर क्यों? क्या गांधी का यह सोचना गलत था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहिए, या गांधी का यह मानना गलत था कि बहुसंख्यक होने के नाते हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? गोडसे जिस विचारधारा का समर्थक था, वो विचारधारा गांधी की इस सोच को मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती थी। तो क्या यही विचारधारा गांधी की हत्या की वजह बनी? आखिर गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? गोडसे ने कोर्ट के सामने दिए अपने बयान में गांधी की हत्या की जो वजह बताई उनमें प्रमुख थी गांधी का मुसलमानों की तरफ नरम रवैया, बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार मानना और भारत सरकार पर पाकिस्तान को इसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाना। पिछले 50 साल से संघ और जो वो उनके हत्यारों की विचारधारा है, उन्होंने उनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए झूठ का प्रचार पुरजोर से चलाया है। बापू के ऊपर कई प्रकार के आक्षेप डाल के उस हत्या को जस्टिफाई करने की उन्होंने भरपूर चेष्टा की है। जो भी निर्णय हो रहा था वो सामूहिक निर्णय हो रहा था, और उसी सामूहिकता के आधार पर निर्णय हो रहा था, उसमें किसी एक व्यक्ति को इंगित करना उसके साथ नाइंसाफी होगी, चाहे महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार पटेल हो। स्वतंत्रता आंदोलन को हमने सामूहिकता के आधार पर लड़ा, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजा जाए इस पर मतभेद नहीं था। इसलिए ये जो मुद्दे उठे, उन मुद्दों की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई, उसमें से एक नाथुराम गोडसे की प्रतिक्रिया थी जो गलत थी। ४७ वो साल जब देश को आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ मिला बंटवारे का जख्म, दंगों का दर्द। मुस्लिम लीग की जिद और अंग्रेजों की चाल ने 1947 में देश के दो टुकड़े कर दिए। जाहिर है आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में कोई भी ये नहीं चाहता था, लेकिन गोडसे और उसके जैसे तमाम कट्टर हिंदू समर्थकों ने इस बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार मान लिया। एक तरफ आजादी का जश्न और दूसरी तरफ बंटवारे की वजह से हुए दंगों का दर्द। भारत में पंजाब से लेकर दिल्ली और बंगाल तक दंगे फैले हुए थे। आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को गांधी दिल्ली से दूर कलकत्ता में उपवास पर थे। गांधी ने बार बार इन दंगों को रोकने की अपील की। शायद वो जानते थे कि बंटवारे का यही अंजाम होगा, इसीलिए मार्च 1947 में
गांधी ने कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारे को स्वीकार करना चाहती है तो ऐसा मेरे मृत शरीर पर होगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी भारत के बंटवारे के लिए तैयार नहीं होऊंगा। लेकिन ना गांधी बंटवारे को रोक पाए और ना उसके बाद हुए दंगों को। एक तरफ देश में दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ गोडसे, आप्टे और उनके बाकी साथियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुणे में हिंदू राष्ट्र अखबार के दफ्तर में ही गोडसे और उसके साथी इकट्ठा होकर योजनाएं बनाया करते थे। उधर दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे थे। दिल्ली बहुत टेंशन है। इफ दिस डजंट स्टॉप आई बिलीव इट विल लीड टू सिविल वॉर। मैं सोचता हूं क्या कर सकते हैं। आई एम गोइंग। माउंटबेटन से मुलाकात के बाद महात्मा गांधी ने उसी शाम अपनी प्रार्थना सभा में लोगों से दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, जब तक दिल्ली में हालात नहीं सुधरते वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। पुणे में हिंदू राष्ट्र के दफ्तर में मौजूद गोडसे और आप्टे को भी गांधी के अनशन की खबर मिली। तुषार गांधी के मुताबिक उसी दिन उन्होंने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। अब उनको लगा कि ये बहाना मिल गया, अब इसको कारण बना के हम ये कह सकते हैं कि ये जो उन्होंने किया ये उपवास के कारण हम बहुत नाराज हो गए, उनके उनको मार दिया हमने। ये मंशा था, इसके लिए एक बहाना उनको मिलेगा। उन्होंने तो पहले नहीं तो पंचकिनी और सेवाग्राम में क्यों मारने गए थे बापू को, तभी तो कोई बात नहीं थी, अनशन की बात नहीं थी, ना 55 करोड़ की बात थी, ना बंटवारे की बात थी। नाथुराम गोडसे के मन में क्या चल रहा था ये जल्द ही सबको पता चलने वाला था। लेकिन एक बात तो साफ थी कि वो अपनी योजना बना चुका था, क्योंकि 13 और 14 जनवरी को उसने अपनी दो जीवन बीमा पॉलिसी में से एक में नारायण आप्टे की पत्नी और दूसरी में अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे की पत्नी का नाम लिखवा दिया। मतलब साफ था कि वो ऐसा कुछ करने वाला था जिसमें खुद गोडसे, आप्टे और गोपाल गोडसे की जान को खतरा था। शायद ये हो सकता है, क्योंकि वो तो बचने वाले नहीं थे, उनको पता था। गोडसे ने कोर्ट में दिए अपने बयान में गांधी की हत्या की एक वजह ये बताई थी कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का दबाव बनाया। ये बात सही है कि गांधी सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन ये भी सही है कि गांधी के अनशन के दौरान ही भारत सरकार ने पैसे न देने का अपना फैसला बदला और कैबिनेट ने पाकिस्तान को वो रकम देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। लेकिन गांधी ने खुद कभी इसे अनशन खत्म करने की शर्तों में शामिल नहीं किया। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की बातें सिर्फ गांधी की हत्या को सही ठहराने के बहानों के तौर पर कही जा रही थी। 55 करोड़ पाकिस्तान, ये सारे बहाने बाद में सोचे गए। जब ये पता गोडसे ने कृत्य कर लिया और वो कारावास में थे और ये जानते थे कि अब गोडसे के ऊपर फोकस होगी स्पॉटलाइट, तो सावरकर ने और गोडसे ने मिल के ये पूरा एक वो जस्टिफिकेशन का चिट्ठा लिखा, ताकि आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि गोडसे कितना महान देशभक्त था, उसने कितना महान देशभक्ति का काम किया और बापू कितने देशद्रोही थे, अगर उनको जिंदा रहने दिया जाता तो वो देश का कितना बड़ा नुकसान करते। ये सब हत्या के बाद सोची गई बातें हैं। हत्या तो करना उनको उनका मकसद पहले से था। गोडसे का नाम इसलिए हो गया कि उसने एक महापुरुष की, एक राष्ट्रपिता की हत्या की, अन्यथा गोडसे एक स्थानीय स्तर का सामान्य कार्यकर्ता था जो वैचारिक रूप से न परिपक्व था, न संगठनात्मक रूप से किसी हिंदू महासभा में भी किसी ऊंचे पद पर था। इसलिए गोडसे को उस रूप में प्रोजेक्ट करना कि किसी वैचारिक सोच के आधार पर काम कर रहा था, मैं गलत मानता हूँ। वो तात्कालिक कारण थे, उत्तेजना थी और ये बहकावा था उसका व्यक्ति, ये कुछ लोगों का यह बहकावा था, यह इसके पीछे कोई सोच, कोई साजिश, कोई विचारधारा काम कर रहा था, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। भैया पूजा के लिए देरी हो रही है, पापू को जाने दीजिए।